सुपर टेस्टी क्रिस्पी और मार्केट जैसा बिस्किट तैयार हो जाएगा घर पर। ना चाहिए मैदा सड़ा ना कहीं अवेन। गेहूं के आटा से घर पर बहुत ही आसानी से झटपट तैयार हो जाएगा ये बिस्किट। मैं गारंटी देकर कह रहा हूँ, कोई भी पहचान नहीं पाएगा आप इसे घर पर तैयार किया है। तो डरे किस बात की, चलते हैं फटाफट शुरू करते हैं आज का रेसिपी। तो इसके लिए यहाँ पर पहले मैंने एक मेजरमेंट वाला कप लिया है। ये कप में मैंने लूंगी 2 कप गेहूं का आटा। यहाँ पर आप एक कप को जरूर सेट कीजिए। कप, कटोरी, कोई भी मेजरमेंट के लिए चीज लीजिए। ये कप में मैंने लूंगी 1/2 कप सूजी। ये है बारी वाला सूजी। यदि आपका पास मोटा वाला सूजी है ना, आप इसे मिक्सिंग जार में थोड़ा सा पीस लीजिए। तो ये 1/2 कप मैंने लूंगी सूजी। सूजी लेने से ना हमारा जो बिस्किट ना बहुत ही बढ़िया सा क्रिस्पी बनेगा। तो इसीलिए मैंने 1/2 कप लिया सूजी। इसके साथ साथ ये थोड़ा सा और टेस्ट होने के लिए मार्केट जैसा मैंने 2 चम्मच लूंगी देसी कोकोनट का बुरादा। और इसके साथ साथ इलायची का पाउडर। इलायची पाउडर से इसका खुशबू टेस्ट बहुत ही बढ़िया आती है। तो इसे एक साइड कर दूंगी। और एक प्रिपरेशन देखिए, मैं यहाँ पर एक बाउल में जिस कप में मैंने गेहूं का आटा लिया था ना, ये कप में मैंने 1 कप लूंगी चीनी और ये कप में 1/2 कप पानी। बस चीनी इस तरह से दाना ही रहना चाहिए, हम इसे ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे। तो इस तरह से चीनी और पानी को हम यूज करेंगे। तो ये जो आटा वाला थाली मैंने रखा था, ये छोटा वाला स्पून मैंने लिया है। ये छोटा वाला स्पून में मैंने यहाँ पर 5 स्पून लूँगी ऑयल। यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल यूज किया है। यदि आप घी यूज करना चाहती है तो कर सकती है। तो ये छोटा वाला स्पून में मैंने 5 स्पून लिया है तेल। ये सभी को पहले मिक्स कर दूंगी। यदि हमारा तेल ज़्यादा ज़रूरत होगा तो हम फिर से 1-2 चम्मच लेंगे। किस तरह से हमको समझ आएगा तेल ज़्यादा ज़रूरत होगा कि नहीं, जब हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद देखिए इस तरह से मुट्ठी बनाएंगे। तो ये आराम से मुट्ठी हो जाती है। तो हम जितना भी तेल यूज किया है इतना ही परफेक्ट है, और ज़्यादा तेल यूज करने का ज़रूरत नहीं। तो अभी मैंने जो चीनी वाला पानी को मिक्स करके रखा था ना, ये चीनी वाला पानी को थोड़ा थोड़ा सा मिक्स करके एक बहुत ही बढ़िया सा सख्त डो तैयार करूँगी। एकदम हार्ड नहीं कि एकदम सॉफ्ट भी नहीं। दोस्तों आप जानते हैं, जब भी आप मार्केट से बिस्किट लेकर खाती है ना, इसमें बहुत सारा केमिकल यूज होती है और मैदा से बनती है। लेकिन घर पर जब हम गेहूं के आटा से इस तरह से टेक्सचर वाला, इस तरह से टेस्ट वाला बिस्किट तैयार करेंगे ना, तो सबका हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होगा और खाने में ये बहुत ही टेस्टी भी बनेगा। भाई आप ज़रूर एक बार इसी ट्रिक को फॉलो करके ये बिस्किट को तैयार कीजिए। मैं तो रोज़ इस तरह से बिस्किट तैयार करके मेरा घर में डब्बे में स्टोर करके रखता हूँ। 2 महीने तक यह आराम से डब्बे में स्टोर होकर रहती है। तो देखिए डो हमारा तैयार हो गया। डो एकदम सॉफ्ट नहीं कि हार्ड नहीं, आप इसे देखिए टच करके ये किस तरह से एकदम मीडियम कंसिस्टेंसी का है। ये कंसिस्टेंसी का डो ही चाहिए। तो अभी ये डो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी। 1 पार्ट को एक बड़ा वाला लोई तैयार करूँगी। देखिए 1 पार्ट को मैंने एक साइड कर दूँगी और 1 पार्ट को इस तरह से बड़ा वाला लोइया तैयार कर लूँगी। और थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रेड करके, आप चाहे तो यहाँ पर तेल भी यूज कर सकती है, लेकिन मैं थोड़ा सा सूखा आटा लिया है। इसे देखकर बेल लूँगी। जब हम इसे बेलेंगे ना, तो आप इसे देखेंगे साइड वाला ये थोड़ा सा फटेगा। तो बिल्कुल टेंशन वाला बात नहीं भाई, साइड वाला फटेगा तो इस तरह से हम इसे कट करके अलग कर देंगे। फिर से जब हम लोइया तैयार करेंगे ना, ये जो कट वाला पर्सन को हम ये लोइया के साथ मिक्स कर देंगे। तो मैं यहाँ पर इस तरह सा चारों तरफ कटिंग कर लूँगी। तो दोस्तों यदि आपको मेरा आज का रेसिपी अच्छा लगा ना, नीचे एक लाइक का बटन है इसे ज़रूर दबा देना, ताकि मुझे पता चल जाएगा आपको मेरा रेसिपी अच्छा लगा कि नहीं। तो चारों तरफ साइड को तो मैंने कट कर दिया। अभी ये बिस्किट का जो शेप मैंने दूंगी, यहाँ पर मैंने 4 बिस्किट का शेप दूंगी। इस तरह से मैं इसे 4 पार्ट में डिवाइड करूँगी। तो देखिए ये बिस्किट का साइज इस तरह से मैंने लिया है। आप चाहे तो गोल वाला साइज भी ले सकती है, कोई भी डब्बा नहीं तो कटोरी का साइज के आप तैयार कर सकती है। तो ये दिखने में और थोड़ा सा सुंदर लगने के लिए, जिस तरह से मार्केट में हम पैकेट वाला बिस्कुट लेती है ना,
इसी तरह का मैंने साइज लिया है। ये नाइफ के थोड़ा सा दबा दबा कर ये पेस्ट मैंने लिया है। आप चाहिए तो टूथपिन से भी ये पेस्ट दे सकती हैं। तो इसी प्रोसेस से यहाँ पर मैंने 4 बिस्किट पहले तैयार कर लिया है। सारे बिस्किट के ऊपर ये पेस्ट मैंने दिया है। तो ये 4 बिस्किट को पहले मैंने फ्राई करूँगी। तो इसे फ्राई करने के लिए यहाँ पर एक पैन में मैंने थोड़ा सा तेल लिया है। ज़्यादा तेल लेने का ज़रूरत नहीं। तो तेल यहाँ पर गरम ज़्यादा नहीं चाहिए, आधा से भी कम तेल हीट होना चाहिए। जब ये आधा का करीब तेल हीट हो जाएगा ना, तब हम एक एक करके ये बिस्किट को इसमें डाल देंगे। बहुत ही इजी प्रोसेस है भाई। यहाँ पर कोई भी ओवन का ज़रूरत नहीं, कोई भी बाहर वाला चीज़ का ज़रूरत नहीं। हम घर पर ही इसे तैयार करेंगे और घर का सामान से ही इसे तैयार करेंगे। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखकर बिस्किट तैयार करेंगे तो हमारा बिस्किट बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो इसे हम 2-3 मिनट के लिए इस तरह से लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। जब ये एक तरफ हो जाएगा तब हम दूसरे तरफ को पलटेंगे। तो ये लगभग 2 मिनट से ज़्यादा हो गया है। अभी मैं इसे दूसरे तरफ को पलट लूँगी। देखिए ये एक तरफ बहुत ही बढ़िया से सुनहरा हो गया है। तो इसी तरह भी मैं दूसरे तरफ को 2-3 मिनट के लिए सेक लूँगी। तो ये दोनों तरफ अच्छी तरह से हो जाएगा। बिस्किट को छानने का समय में ये ट्रिक को आप ज़रूर ध्यान में रखकर इसे छानेंगे तो ये अंदर तक बहुत ही बढ़िया सा क्रिस्पी बनेगा और दिखने में बहुत ही बढ़िया सा कलर भी आएगा। तो अभी देखिए हमारा बिस्किट का कलर बहुत ही बढ़िया सुनहरा हो गया है। ये दोनों तरफ अच्छी तरह से सेक चुकी है। अभी तो ये थोड़ा सा आपको नरम लग रहा है, जब ये ठंडा हो जाएगा ना बहुत ही बढ़िया सा क्रिस्पी हो जाएगा। और ये जो चीनी हमने यूज किया था ना, ये चीनी अभी थोड़ा सा नज़र आ रहा है। ठंडा होने के बाद ये ऊपर की तरह बहुत ही बढ़िया सा नज़र भी आएगा। तो इसी प्रोसेस से मैं सारे बिस्किट को ये लो फ्लेम पर छान लूँगी। वाओ, तो तैयार हो गया हमारा सारे के सारे बिस्किट। देखिए बिस्किट का टेक्सचर, ये जो ऊपर में हमने डिजाइन किया था ना, डिजाइन जैसा का जैसा है। चीनी का दाना थोड़ा थोड़ा सा नज़र भी आ रहा है। तो एक एक करके मैंने सारे बिस्किट को तेल में फ्राई कर लिया है। ना हम यहाँ पर घी यूज किया, बटर यूज किया, ना कोई भी ओवन यूज किया। गेहूं का आटा से घर पर मार्केट जैसा कुरकुरा टेस्टी हेल्दी बिस्किट हमारा घर पर बनकर रेडी हो गया है। देखिए मैं एक छोटा वाला बिस्किट तैयार किया था लास्ट में, ये कितना कुरकुरा है, एकदम ये बहुत ही क्रिस्पी बना है। इसका अंदर देखिए व्हाइट वाला पर्सन जिस तरह से हम मार्केट में बिस्किट लाती है, ऊपर गोल्डन की तरफ और अंदर तक ये जो व्हाइट वाला इस तरह से एकदम तैयार हुआ है। दोनों तरफ अच्छी तरह से सेक चुकी है। तो दोस्तों यदि आपको आज का रेसिपी इंटरेस्टिंग लगा है, आप मुझे जरूर लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं फिर एक नया आइडिया के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।